बच्चियों बहुत बहुत प्यार। मेरा नाम राज कौर कमालपुर है। आज मैं तहानू मेरे अपने द्वारा लिखी एक कहानी जिसका नाम है बेबे शेर भजाया सुनाउन जा रही हाँ। सो बच्चियों एक बारी की गल है, एक बुढ़ी औरत अपने दो पोत्या नू नाल लाके जंगल दे विचों दी तुरी जा रही सी, क्योंकि उसका घर जंगल नू पार करके ही आना सी। सो बुजुर्ग औरत नू डर सी कि रस्ते दे विच किते मैनू कोई जंगली जानवर ना मिल जावे ते मेरी ते मेरे बच्चियां दी जान नू खतरा ना खड़ा हो जावे, क्योंकि बच्चियो जंगल दे विच शेर वग्याड़ ते होर जंगली जानवर रहिंदे हन। सो बुजुर्ग औरत अपने पोत्यां नू पुंगल ला के तुरी जा रही सी। अजे थोड़ी दूर ही गई सी कि रस्ते दे विच उसनू एक शेर दिखाई दिता। बुढ़ी डर गई, उसने शेर नू देख के उची उची कहना शुरू कर दिता। शेर नू सुना के ओ अपने बच्चियां नू कहन लगी, बच्चियो तानू मैं किन्ना जोर लगाया कि तानू मुर्गे दा मीट खवा देंगी, तानू बकरे दा मीट खवा देंगी, पर तुसी हो कि तुसी जिद ते अड़े होयो कि नहीं दादी मां असी शेर दा मांस ही खाना है, लो ओ शेर आ रहा है, अज मैं तहानू उसका मीट खवा के ही रहांगी। शेर ने जदों ए गल सुनी ओ डर गया। उसने सोचिया कि इस बुढ़ी दे कोल जरूर कोई हथियार होवेगा। शेर उठे पैरी भज निकलिया। सो बुढ़ी ने सुख दा सां लिया, अपने बच्चियां नू नाल लेके अगे रस्ते रस्ते तुरदी गई। अजे शेर थोड़ी दूर ही पहुंचा हुए सी कि रस्ते दे विच उसनू एक गिद्दड़ मिल पिया। गिद्दड़ ने पुछया, क्यों शेर दादा बड़ा सां चढ़िया होया है, बड़ा भज्या जा रहा है, की गल है? शेर ने सारी गल गिद्दड़ नू सुनाई। गिद्दड़ ने सुन के कहा, हा 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 शेर दादा बस इन्ने विच ही डर गए, उस बुढ़ी कोल कुछ नहीं है, हां उस ते दो पोते ते ओ आप उस नू तुसी शिकार बना सकते हो, तुहाडा वधिया गुजारा होवेगा, चलो मैं लेके चलदा हां तुहानू दुबारा फिर उस बुढ़ी औरत दे कोल। शेर नू हौसला मिलिया। सो शेर गिद्दड़ अगे अगे ते शेर पिछे पिछे दुबारा फिर बुढ़ी औरत दे रस्ते विच आ गई। बुढ़ी औरत ने भी देख लिया। हुण उसने सोच लिया कि जरूर एह गिद्दड़ दा किता कराया है। सो जदों अगे थोड़ा गए उसने फिर दुबारा अपने पोत्यां नू कहन लगी। ओह उसने शेर नू सुना के बच्चियां नू कहा, बच्चियो किड्डा झूठा निकलिया गिद्दड़, गिद्दड़ तां मैनू कह के गया सी कि मैं शेरनी नू भी नाल लेके आवांगा, ते अज मैं तुहानू शेर दे नाल शेरनी दा मीट भी खवावांगी, पर ओह तां फेर इकल्ले शेर नू ही लई आ रहा है, चलो कोई गल नहीं अज तुहानू शेर दा मीट ही सही, शेरनी दा मीट किसे दिन फेर खवावांगी। शेर ने सारी गल सुन लई। सो उसने सोचिया कि एह गिद्दड़ जरूर बुढ़ी औरत दे नाल मिलिया होया है। शेर दुबारा ज्यों भज्या के पिछे मुड़ के ना देखिया। बुढ़ी ने भी सुख दा सां लिया। सो अपने पोत्यां नू नाल लैके खुशी खुशी जंगल दा रस्ता पार कर लिया। सो बच्चियो इस तों इस कहानी तों सानू सिख्या मिलदी है कि ये बुजुर्ग साडे वास्ते किड्डा वड्डा सरमाया हुंदे हन, क्योंकि उस बुजुर्ग दी सियाणप दे नाल, उस बुढ़ी औरत दी सियाणप दे नाल उसने अपने आप नू तां बचा ही लिया सी, सगों दोनों पोत्यां दी जान भी बचा लई, क्योंकि ना ही उस दे कोल कोई हथियार सी, कुछ नहीं सी उस दे कोल, सिर्फ उस दी सियाणप सी। धन्यवाद जी।